यू नो शिवाजी महाराज? हाँ, शिवाजी महाराज को तो सभी जानते हैं, लेजेंड है भाई, हमारे आदर्श है शिवाजी महाराज। तो दोस्तों, इस व्लॉग में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जा रहे हैं आसपास ही घूमने, तो इस वक्त हम संगम नेर में और निकल रहे हैं आसपास ही थोड़े से पहाड़ी इलाके पे मंदिरों में घूमने के लिए। ये हमारे साथ सुरेश भी चल रहा है, सुरेश चल रहा है, ये रही हमारी माऊ, तू चलेगी साथ में? तू चलेगा? हम इस वक्त हाईवे पर होते हुए आ रहे हैं पुणे के, पुणे नासिक हाईवे, पुणे नासिक हाईवे। नदी आज अभी आ चुकी है, अभी तो नदी सूखी हुई है। तो दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं उस पहाड़ी पे, उन पहाड़ों में से किसी एक पहाड़ी, हम रास्ता भूल चुके हैं गाइस, और हम अभी यूटर्न लेकर वापस जा रहे हैं। इन दोनों को कुछ याद नहीं रहता। हाँ, देखो तो बड़ा याद है, तू ही लाया है यार। मैं कभी आया ही नहीं इधर, क्या ही कर सकते। हम तो प्लेस को देखते हैं आज पूछ पाते हैं या नहीं। जा रहे हैं हम यहाँ से, हम एक और बार यूटर्न लेते हुए क्योंकि ये रास्ता फिर भूल चुके हैं। इसको देख, और फाइनली ये सही रास्ता मंदिर के पास से होते हुए ही जाएगा। गलत जगह, अब हम ऑफ रोडिंग करते हुए। तो दोस्तों, रास्ता फिर से भटक गए थे हम, लेकिन अभी जा रहे हैं हम शॉर्टकट रास्ते से, जो रिस्की भी हो सकता है। अभी नहीं पता रास्ता कैसा है क्या है, बस जा रहे हैं हम। जंगल है, पूरे जंगल एरिया से होते हुए जा रहे हैं हम। काफी अच्छा भी लग रहा है, पता नहीं क्या क्या सरप्राइज मिलने वाला है हमको यहाँ पे। अपनी वीडियो खूब बनी। Oh.
तो आ गए हम रास्ते में शॉर्टकट से, रास्ता उस भाई का जिसने सही रास्ता दिखाया, जिंदगी में सही रास्ते दिखाने वाले लोग चाहिए थे। फाइनली हम आ चुके हैं और ये है हमारी पार्किंग। पार्किंग है, पिछली बार भी यहीं पे पार्किंग की थी हमने और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। क्या नजारा है, हाय भाई हाय। और स्वप्निल भाई अपने अलग ही मजे में, भय को दिखाओ, भय को दिखाओ, बता दिया उसको क्या दिखाने लाए गए उसमें। अभी वीडियो में ले रहे हैं, ले अभी ले। क्यों अब चश्मा पहन लिया तूने? हाँ अभी अच्छा दिखा। क्या बात, क्या बात। और भाई कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा, अभी हमको और ऊंचाई पे जाना है। हाँ तो ऊंचाई तो पे तो हमेशा ही जाना है, तैयार है जाने के लिए। चलो यहाँ से हमको जाना है ऊपर की तरफ रतनगढ़ से। अच्छा हरिश्चंद्रगढ़ नहीं नहीं पुढे नाही, इथून तू राजूरला गेलास ना अकोल्याच्या पुढे, तिथून लेफ्टला घ्यायचं असं खराब राहतो ना। फुल ऑफ नेचर, चांदन वाली ना, फुल ऑफ नेचर। कळसुबाई शिकर आहे इस जगह का नाम बता देना ना एक बार। खांडगांव महादेव, कपारेश्वर, कपारेश्वर महादेव, कपारेश्वर महादेव मतलब महादेव। दोस्तों ये पहाड़ी इलाका है ऊपर। हाँ ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत हजारों साल पुराना मंदिर है। अच्छा यू नो शिवाजी महाराज? हाँ शिवाजी महाराज को तो सभी जानते हैं, हमारे आदर्श शिवाजी महाराज। नहीं है हमारा ओरिजिन महाराज से, अहिल्या देवी को पता ही होगा, हमारे इंदौर में यहाँ सब जानते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं बहुत पुराना मंदिर है। ये हमारा छोटा भाई है जो व्हाइट शर्ट में आपको नजर आ रहा है, और ये छोटे वाले से बड़ा भाई है हमारी मासी का लड़का है स्वप्निल राठौड़। और ये स्वप्निल भाई की फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही है, अब क्या ही बताएं हम आपको। मंदिर दिखा ले भाई। तो दोस्तों मंदिर पे आ चुके हैं हम, उतार दे जूते उतार देंगे ऊपर। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है, सुना है हमने इसके बारे में, अभी अभी हमको पता चला बहुत प्राचीन मंदिर है, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे तो हमारा ध्यान ही नहीं गया था इधर। हजारों साल पुराना मंदिर है, कुछ गुफा टाइप बनी है भाई, उतार दें यही कर दें। बता रहे कि गुफा बहुत ज्यादा पुरानी, हजारों साल, और देख सकते हो आप पत्थरों में ही, पत्थरों के अंदर मंदिर गुफा टाइप दिख रही है। तो आप देख सकते हो भगवान का मंदिर है, वो झुक के जाना पड़ेगा आपको। स्पेस काफी कम है यहाँ। ओहो हर हर बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो देख सकते हैं यहाँ पर महादेव के तीन लिंग हैं, हर हर महादेव। तो
दोस्तों देख सकते हो मंदिर, आप बोल ही नहीं सकते कि मंदिर है नहीं है, गुफा में ही पत्थरों के बीच में बनाया गया है और काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। कि अभी बाहर मैंने कुछ लड़कों से सुना कि मतलब हजारों साल पुराना मंदिर है ये भगवान शिव का, जो कि गुफा काट कर बनाया गया है, मतलब बहुत पुराना है तो उसी समय बनाया गया था। इसी तरीके से अभी भी मंदिर है भगवान शिव का। तो सभी बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। तभी मंदिर कौन देखे थे? ऐसे मंदिर तो वाकई में यार कहीं कहीं देखे नहीं अपन ने, क्योंकि गुफा के अंदर बनाया गया पत्थरों के बीच में। मतलब हनुमान जी भी आराम से तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। अभी जा रहे हैं ऊपर, या हमारे ऊपर की तरफ जाते हुए तो हम अब ऊपर की तरफ जाते हुए डॉक्टर साहब तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं पहाड़ी इलाके पे और ऊपर जा ही रहे हैं और ये नीचे का व्यू कुछ इस तरीके से। तो स्वप्निल भाई यहाँ शेर की तो उम्मीद नहीं है अपन को जंगली जानवर की, है ना भाई? क्या बात है भाई, उम्मीद है शेर? सही में सही में, मेरे को तो कुछ आवाज भी आ रही है। तो भाई लोग क्या बोलना चाहोगे? ढूंढने से मिलेगी मंजिल यार। भाई एक समय था टिकटॉक पे वीडियो बनाए थे इधर, याद है तेरे को? तूने बनाया था, तूने टिकटॉकर था।
और कितना बचा है। दसवें कितने है चेतता मुकाबला फाइनल हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इस वक्त हवाएं भी चल रही है और मौसम भी काफी ठंडा है तो काफी अच्छा भी लग रहा है इस वक्त। हम थोड़े आते थे सिटी में जाते थे हां जी जी और तो लेन को आते थे। तो ये है संगम नियर सिटी जो है नासिक के थोड़ा सा आसपास। तो दोस्तों ये है संगम नियर सिटी। ऊपर से नीचे आने के बाद हमें भगवान शिव का मंदिर दिखता है जहाँ पर हम चल जाते हैं दर्शन करने के लिए और काफी ही अच्छा मंदिर था। काफी सुकून मिला वहाँ जाकर। कितना सुकून है यहाँ। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।